हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का देखने वाले हैं, और ये जो है यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक तीनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोज़ मिलता रहे। सो अभी हम मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है यहाँ पे एक उत्तल बहुभुज के आंतरिक कोण का माप समांतर श्रेणी में है यदि निम्न निम्नतम कोण 100 है और अधिकतम कोण 140 डिग्री है, तब बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बताना। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छे से। सो हम पहले मान लेंगे, माना कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या n है। ठीक है ना, और क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था न्यूनतम कोण, न्यूनतम कोण दिया हुआ था 100 डिग्री। ठीक है, और अधिकतम दिया हुआ था, अधिकतम कोण दिया हुआ था 140 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कोणों का योग, कोणों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है n बाई टू, ठीक है, ए प्लस एन। तो यहाँ पे ये जो है इसको हम ए बोलेंगे और इसको हम एल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, हम वैल्यूज भी रख देंगे। ठीक है ना, एन बाई टू और यहाँ पे ए के जगह 100 और एल के जगह 140। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, तो एन बाई टू यहाँ पे हो जाएगा 240। ठीक है, तो अब इधर हम सॉल्व करते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये 240 को 2 से कट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n into 120। तो यहाँ पे ये निकल गया 120 n। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो है 120 n जो है ये आपका कोणों का योग है। ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, तो 120 n इज इक्वल टू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 180 को n से करेंगे तो 180 n हो जाएगा, माइनस का चिन्ह माइनस दे देंगे, फिर 2 से यदि करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 360। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको इधर लाएंगे 180 को। ठीक है, तो यहाँ पे 120 n
माइनस 180 एन, ठीक है, और ये 360 है। तो जब हम 180 एन को 100 इसको जब इससे हम घटाएंगे, ठीक है, यहाँ पर जाएगा माइनस में आ जाएगा 60 एन, ठीक है, और यहाँ पे 360 है। तो हम इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गुना में है, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 को उस पार लेके जाएंगे, बराबर को उस पार, तो गुना में इधर उधर भाग में आ जाएगा, तो 360/60, 0 से 0 कैंसिल और 6 से 36, ठीक है। तो यहाँ पे n, n कितना निकल गया, 6, ठीक है। तो यहाँ पे n हम किसको माने थे, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या कितना निकल गया, 6। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु, मध्य बिंदुओं को क्रमागत, क्रमागत जोड़ने पर चित्र जो है बनता है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा राइट 85 का, वो हो जाएगा यहाँ पे समांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 3। सो यहाँ पे है एक पासे को लुढ़काया जाता है, लुढ़काया जाता है, लुढ़काया जाता है एक सम संख्या आने की प्रायिकता है, प्रायिकता। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि एक पासे को लुढ़काया जाता है, ठीक है, तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले पासे में साइड कितना होता है, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि पासे को फेंकने पर कुल परिणाम, जितना साइड होगा उतना परिणाम आएगा, ठीक है। तो साइड इसका कितना होता है, तो यहाँ पे इसको हम n ऐसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है, 6 होता है, ठीक है, पासे में 6 होता है, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, मतलब इवन नंबर आने की प्रायिकता क्या होगा, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम जो है, अनुकूल परिणाम नाम 1 से 6 तक में 3 हो जाएगा, ठीक है, जो इवन में आता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकालना है कि एक संख्या इवन आने की प्रायिकता बताएं, ठीक है। तो इसलिए अभीष्ट प्रायिकता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे PE, ठीक है, इक्वल्स टू, अभी इस प्रायिकता को हम PE लिखेंगे। PE का फॉर्मूला होता है NE बटा NS, ठीक है। तो NE क्या है, यहाँ पे इवेन कितना आ रहा है, तो 1 से 6 तक में जो है इवेन आएगा 2, 4 और 6, मतलब 3 आएगा इवेन, 3 डिजिट। और यहाँ पे NS टोटल कितना है, 6, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, इसको इसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/2,
ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ओके, सो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है पॉइंट ए, ठीक है, -2, 3, और पॉइंट बी है यहाँ पे 6 और 7, ठीक है, को मिलाने वाली रेखा को बिंदु P जो है, जिसका वैल्यू है 4 और 6, ठीक है, इस अनुपात में बांटता है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये बिंदु हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है ना, और बिंदु ए में दिया हुआ ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और यहाँ पे ये हो गया 6 और ये हो गया 7, और ये मिडिल पॉइंट पी है, ठीक है, जिसका वैल्यू है यहाँ पे 4 और 6, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है एम है, और यहाँ से डिस्टेंस जो है एन है, ठीक है। तो इस पे विभाजन सूत्र लगेगा, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो विभाजन सूत्र का जो फॉर्मूला होता है, विभाजन सूत्र, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई दो पॉइंट है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूँ पहले। इसका फॉर्मूला होता है एम, एक मिनट, यदि एक्स को लेके चलेंगे, ठीक है, ओके, यहाँ पे पूरा हम कर लेते हैं एक बार में ही, तो यहाँ पे हो जाएगा एम x2, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका एम x2 और एन x1 प्लस एम प्लस डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है, कोमा देंगे यहाँ पे, एक्स का कर लिया, वाई का करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र का। तो अब यहाँ पे हम पहले एक्स का यहाँ पे करेंगे, ठीक है, मतलब इतना सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला पार्ट, इसको अभी नहीं करेंगे वाई को, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स जो है, जैसे यहाँ पे पी का दिया हुआ था, ठीक है ना, पी का कितना दिया हुआ था, पी का जो वैल्यू था वो था यहाँ पे 4 और 6, ठीक है ना, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक्स को लेके चलेंगे, तो एक्स एक्स को लेके चलेंगे, ठीक है ना, तो एक मिनट, एक्स की जगह पे हम वैल्यू रख देते हैं, 4 रख देंगे, ठीक है, 4, और यहाँ पे एम और x2, अब यहाँ जो था ये वाला, ठीक है, ये ए था और ये बी था, ठीक है ना, तो ए कितना था, -2 और 3, ठीक है, और बी जो था, बी कितना था, 6 और 7, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे मानेंगे x1, ठीक है, दोनों सेमी हो रहा है, बट ये x और y है, ठीक है, और इसको हम मान रहे हैं x1 और इसको मान रहे हैं यहाँ पे हम x2, ठीक है, इसको मानेंगे y1 और इसको मानेंगे y2, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम x का मान यहाँ पर रख दिए 4, ठीक है, m यहाँ पे था फॉर्मूला में, m रख दिए, x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ पे 6 है, ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे 6 प्लस, ठीक है, अब n n हम लिख देंगे, n लिख दिए, और यहाँ पे x1 यहाँ पे कितना है, x1 है -2, यहाँ पे हम लेंगे -2, ठीक है, m प्लस एन। अब हम क्या करेंगे, इसको एम प्लस एन को बराबर इस पार लाएंगे, ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एम प्लस एन, तो 4 को यदि एम से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 एम, प्लस का चिन्ह है, प्लस दे दीजिए, फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 को हम एन से करेंगे तो 4 एन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ऐसे लिखते हैं,
M6, ठीक है। और इसको ऐसा करते हैं, 1 मिनट, इसको लिखते हैं 6M, और ये हो जाएगा -2M, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, पता होगा, यहाँ पे 2N हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस 6M को इस पार लेके आएंगे, ठीक है। तो जब इस पार लेके आएंगे तो ये प्लस में है 6M, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -6M +4M, ठीक है। और ये जो n है, प्लस में 4n है, इसको इस पार लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो -4n, ठीक है। और इधर -2n ऑलरेडी है, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6m में +4m घटाएंगे तो -2m बचेगा, इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे -4n और -2n, तो यहाँ पे जाएगा -6n, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इतना सा जगह लेते हैं और इसको हम अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -2m, -2m, और यहाँ पे है -6n, ठीक है, 6n, माइनस से माइनस कट गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अब यहाँ पे बचा 2m और ये हो गया 6n, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, 2 को इधर लेके आते हैं, 2 को बराबर उस पर लेके जाते हैं, m इधर रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ 6n बाय 2 हो गया, ठीक है। अब ये n जो है, n को हम इस पर लेके आ जाएंगे, तो m बाय n इज इक्वल टू 6/2, इसको ऐसे कैंसिल आउट करेंगे, 3/1, मतलब m बाय n इज इक्वल टू 3/1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे m रेशियो n इज इक्वल टू 3:1, ठीक है। तो ये फाइनली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और है, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसको हम देखते हैं। सो यहाँ पे है, यदि x इज इक्वल टू √3 + √2 है, ठीक है, तब आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान जो है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे डायरेक्ट, जो है एक्स स्क्वायर की जगह उसका वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स डिवाइड है, तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू √3 + √2 है, इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे √3 √2 पे होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे सॉल्व, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a और b, ठीक है ना, 1 मिनट, 2a और b, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा इससे ये कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2 + 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई हम यदि करेंगे तो √6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5 और ये 2√6, ठीक है। तो ये निकल गया आपका। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिए। अब यहाँ पे वैल्यू किसका निकालना था, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान, ठीक है। एक्स स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, अब 1 - 1/x² निकालना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे निकला है 5 + 2√6, तो यहाँ पे 1/x² इज इक्वल टू निकल जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ पे 1/x² है ना, तो 1
एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 6 रख देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको 1 बाय एक्स स्क्वायर, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ है नीचे में, ठीक है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये सिर्फ इसका माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 2 रूट 6। तो ये आपका हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस, और इसका कितना है, 5 माइनस 2 रूट 6, ठीक है ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे हो गया। अच्छा ठीक है, अब ये हो गया, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो इजीली, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलती किया है, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे प्लस का चिन्ह दे देंगे, एक्स स्क्वायर का मान लिखे, ठीक है, और उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दिए, 1 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे है 5 माइनस 2 रूट 6, यही है ना। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 प्लस 2 रूट 6 प्लस 5 माइनस 2 रूट 6। अब यहाँ पे प्लस 2 रूट 6 और माइनस 2 रूट 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये बचा 5 और ये बचा 5, 5 प्लस 5 10, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।